नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आज हम यहां महाविद्या कवच और महाविद्या स्तोत्र का उच्चारण करेंगे। मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद आपके समक्ष महाविद्या कवच और महाविद्या स्तोत्र का उच्चारण यहां कर रहा हूं। जय महाकाली, जय महाकाली। क्रीम 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 रीम रीम हुम हुम दक्षिणे काले के क्रीम 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 रीम रीम हुम हुम स्वाहा। तो यहां हम सर्वप्रथम महाविद्या कवच का उच्चारण करेंगे। ये महाविद्या कवच है। श्रुणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचम सर्वसिद्धिदम् आद्याया महाविद्यायाः सर्वाभीष्ट फलप्रदम् कवचस्य ऋषिर्देवि सदाशिव इतीरितः छन्दो अनुष्टुव देवता च महाविद्या प्रकीर्तिता धर्मार्थ काम मोक्षाणाम विनियोगश्च साधिनि अहंकार पात शीर्षे माम काम बीजम तथा हृदय रमा बीजम सदा पातु नावो गुह्ये च पादयु ललाटे सुंदरी पातु ग्रामाम कंठ देशत भगमाला सर्वगात्रे लिंगे चैतन्य रूपिणी पूर्वे माम पातवाराई ब्रह्माणी दक्षिणे तथा उत्तरे वैष्णवी पात चेन्द्राणी पश्चिमे अवतु माहेश्वरी चाग्नियाम नैरेत्रे कमला तथा वायव्याम पात कौमारी चामुंडा हीशके अवतु। इदं कवचं ज्ञात्वा महाविद्यां च योजयति न फलं जायते तस्य कल्पकोटि शतैरपि। इस कवच का मैं नरेंद्र सिंह तोमर या पुनः उच्चारण कर रहा हूं। ये महाविद्या का कवच है, अत्यंत उपयोगी है और सर्वदा ही रक्षा के लिए सर्वोत्तम कवच। तो इस कवच का यहां पुनः उच्चारण कर रहा हूं। श्रुणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचम सर्वसिद्धिदम् आद्याया महाविद्याया सर्वाभीष्ट फलप्रदम् कवचस्य ऋषिर्देवी सदाशिवीतीरितः छंदो अनुष्टुव देवता च महाविद्या प्रकीर्तिता धर्मार्थ काम मोक्षाणाम विनियोगश्च साधने अहंकार पात शीर्षे माम काम बीजम तथा हृदय रमा बीजम सदा पातु नावो गुह्ये च पादयो ललाटे सुंदरी पातु ग्रामाम कंठ देशत भगमाला सर्वगात्रे लिंगे चैतन्य रूपिणी पूर्वे माम पात वाराही ब्रह्माणी दक्षिणे तथा उत्तरे वैष्णवी पात चेन्द्राणी पश्चिमे अवतु माहेश्वरी चाग्नेयाम नैरेत्ते कमला तथा वायव्याम पात कौमारी चामुंडा ईशके अवतु। इदं कवचं ज्ञात्वा महाविद्यां च योजयति न फलं जायते तस्य कल्पकोटि शतैरपि। ये महाविद्या का कवच है। क्रीम 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 रीम
ब्रीम ओम ओम दक्षिणे काल के क्रीम 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 ब्रीम ब्रीम ओम ओम स्वाहा। अब इसके उपरांत हम महाविद्या स्तोत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो मैं नरेंद्र सिंह तोमर अब महाविद्या स्तोत्र का यहां उच्चारण कर रहा हूं। तो महाविद्या स्तोत्र शिव उवाच। दुर्लभम तारिणी मार्ग दुर्लभम तारिणी पदम मंत्रार्थ मंत्र चैतन्यम दुर्लभम शव साधनम शमशान साधनम योनि साधनम ब्रह्म साधनम क्रिया साधनक भक्ति साधनम मुक्ति साधनम। इस्तव प्रसादात् देवेशि सर्वासेद्य अन्ति सिद्धया नमस्ते चंडिके चंड चंड मुंड विनाशिनि नमस्ते कालिके काल महाभय विनाशिनि शिवे रक्ष जगद्दात्रि प्रसीद हर वल्लभे प्रणमामि जगद्दात्रीं जगत्पालन कारिणीं जगत शोभकारी विद्याम जगत सृष्टि विधायनी करालाम विकटाम घोराम मुंडबाला विभूषिताम हरार्चिता हरारा अब्द्याम नमामि हरवल्लभाम गौरीम गुरुप्रिया गौर वर्णालंकार भूषिताम हरिप्रियाम महामायाम नमामि ब्रह्म पूजिताम सिद्धाम सिद्धेश्वरीम सिद्ध विद्याधर गणेरयुताम मंत्र सिद्धि प्रदाम योनि सिद्धिदाम लिंग शोभिताम प्रणमापि महामायाम दुर्गा दुर्गति नाशिनी उग्रा मुग्रमयी मुग्र तारा मुग्र गणेरयुताम नीलाम नीला घनश्यामाम नमामि नील सुंदरी श्यामांगीम श्याम घटिताम श्याम वर्ण विभूषिताम प्रणमामि जगद्दात्रीं गौरीं सर्वार्थ साधिनीं विश्वेश्वरीं महाघोराम विकटाम घोरनादिनीं आद्यामाद्य गुरुराद्यामाद्य नाथ प्रपूजिताम श्री दुर्गा धनमा धनदामन्नपूर्णा पदमाम सुरेश्वरीम प्रणमापि जगद्दात्रीम चंद्रशेखर वल्लभाम श्री दुर्गाम धनदामन्नपूर्णाम पदमाम सुरेश्वरीम प्रणमापि जगद्दात्रीम चंद्रशेखर वल्लभाम त्रिपुरा सुंदरीम बालाम बलागण भूषिताम शिवदूतिम शिवराध्याम शिवदेयाम सनातनीम सुंदरीम तारिणीम सर्वशिवागण विभूषिताम नारायणीम विश्वपूज्याम ब्रह्म विष्णु हर प्रियाम सर्वसिद्ध प्रदाम नित्याम नित्यम गुणवर्जिताम सगुणाम निर्गुणाम ध्येयामार्चिताम सर्वसिद्धिदाम दिव्याम सिद्ध प्रदाम विद्याम महाविद्याम महेश्वरीम महेश भक्ताम माहेशीम महाकाल प्रपूजिताम प्रणमामि जगद्दात्रीम शुंभासुर विवर्धिनीम रक्तप्रियाम रक्तवर्णाम रक्तबीज विवर्धिनीम भैरवीं भुवनाम देवीं लोलजिभ्या सुरेश्वरीं चतुर्भुजां दशभुजां अष्टादशभुजां शुभां त्रिपुरेशीं विश्वनाथ प्रियां विश्वेश्वरीं शिवां अट्टहासाम अट्टहास प्रियां धूम्रवा निवासिनीं अट्टहासम अट्टहास प्रियाम धूम्र विनाशिनी
त्रिपुरेशी विश्वनाथ प्रियाम विश्वेश्वरीम शिवाम अट्टहासम अट्टहास प्रियाम धूम्र विलासिनी कमलाम छिन्न बालांच भांगंगी सुरसुंदरीम षोडशीम विजयाम भीमाम धूमांच बहुलामुखीम सर्व सिद्ध प्रदाम सर्व विद्या मंत्र विशोदिनी प्रणमामि जगत्ताराम रारांच मंत्र सिद्धये एतेवंच वरारोहे स्तोत्रम सिद्धिकरम परम पठित्या मोक्षमाप्नोति सत्यम वैगिर्नंदिनी कुजवारे चतुर्दश्याम मायाम जीववासरे शुक्रे निशिगते स्तोत्रम पठित्या मोक्षम वाप्नुयात् कुजवारे चतुर्दश्याम मायाम जीववासरे शुक्रे निशिगते स्तोत्रम पठित्वा मोक्षम वाप्नुयात् त्रिपच्चे मंत्र सिद्धि स्यात् स्तोत्र पाठाद्य शंकरे चतुर्दश्याम निशावागे शनि भौम दिने तथा निशामुखे पठित स्तोत्रम मंत्र सिद्धिम वाप्नुयात् केवलम स्तोत्र पाठादि मंत्र सिद्धिर्नुत्तमा जागार्ति सततम चंडी स्तोत्र पाठाद भुजंगिनी जय मां चंडिके ओम नमः चंडिकाय नमः। ये मां का कवच एवं स्तोत्र था जिसका हमने यहां उच्चारण किया, ये महाविद्या कवच और महाविद्या स्तोत्र कहा और पुकारा जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम यहाँ माँ मातंगी के स्तोत्र का उच्चारण करेंगे। माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है और माँ सरस्वती बुद्धि विद्या ज्ञान और संगीत की देवी। इसके लिए महाविद्या के रूप में माँ मातंगी का उपासना जप उच्चारण और साधना की जाती है। तो माँ मातंगी का यह स्तोत्र उच्चारण हम यहाँ कर रहे हैं। मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद माँ मातंगी के इस स्तोत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, जो कि महाविद्या है, सरस्वती है और इनका बीज मंत्र है एम। तो मैं यहाँ केवल स्तोत्र का उच्चारण करूँगा, उसके विधि विधान और प्रक्रिया इत्यादि का उच्चारण नहीं करूँगा, क्योंकि ये वाम मार्गी विद्या से संबंधित स्तोत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय वीचे। अब हम मातंगी स्तोत्र का उच्चारण यहाँ कर रहे हैं। नमामि वरदाम देवीं सुमुखीं सर्वसिद्धिदां सूर्यकोटिनिभां देवीं वन्यरूपामविवस्थितां।
नमामि वरदाम देवीं सुमुखीं सर्वसिद्धिदां सूर्यकोटिनिभां देवीं वह्निरूपां विवस्थितां रक्तवस्त्रनितम्बां च रक्तमाल्योपशोभितां रक्तवस्त्रनितम्बां च रक्तमाल्योपशोभितां गुञ्जाहारस्तनाढ्यां परं ज्योतिस्वरूपिणीं गुञ्जाहारस्तनाढ्यां परं ज्योतिस्वरूपिणीं मारणं मोहनं वश्यं स्तंभनाकर्षदायिनी मुंडकर्तृशरावामां परं ज्योतिस्वरूपिणीं मारणं मोहनं वश्यं स्तंभनाकर्षदायिनी मुंडकर्तृशरावामां परं ज्योतिस्वरूपिणीं स्वयं कुसुम प्रीतां हृतयोनि निवासिनीं शवस्थामि स्मीर वदनां परं ज्योतिस्वरूपिणीं रजस्वला भवेन्नियं पूजेष्ट फलदायिनी मध्यप्रियं रतिमयीं परं ज्योतिस्वरूपिणीं शिव विष्णु विरंचिनां साध्यां बुद्धि प्रदायिनीं असाध्यां साधिनी नित्यां परं ज्योतिस्वरूपिणीं रात्रौ पूजा बलियुतां गौमास रुधिरप्रियां नानालंकारिणीं रौद्री पिशाचागण सेवितां इत्यष्टकं पठेद्यस्तु ध्यानरूपां प्रसन्नधि शिवरात्रं व्रते रात्रं वारुणी दिवसे अपि वा पौर्णस्याम् अमावस्यां शनि भौम दिने तथा सततं वा पठेद्यस्तु तस्य सिद्धि पदे पदे। हम इस मातंगी स्तोत्र का एक और उच्चारण यहाँ पुनः कर रहे हैं और इसमें स्मरण रखें कि इसका जो विधान है या जो वो है ये है कि आप इसको किसी व्रत के अवसर पर और किसी शिवरात्रि पर या व्रतों की जो रात्रियां होती हैं उन दिवसों में इसको करना चाहिए और पूर्णमासी अमावस्या शनिवार तथा मंगलवार ये दिन इनके तय हैं। इन दिनों में इनका इस स्तोत्र का उच्चारण पाठन या श्रवण माँ मातंगी के समक्ष या देवी सरस्वती के समक्ष करना चाहिए। अब मैं इसका पुनः नरेंद्र सिंह तोमर आनंद उच्चारण कर रहा हूँ। नमामि वरदां देवीं सुमुखीं सर्वसिद्धिदां सूर्यकोटिनिभां देवीं वह्निरूपां विवस्थितां रक्तवस्त्रनितम्बां च रक्तमाल्योपशोभितां गुञ्जाहारस्तनाढ्यां परं ज्योतिस्वरूपिणीं मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनाकर्षदायिनी मुण्डकर्तृशरावामां परं ज्योतिस्वरूपिणीं स्वयं कुसुमं प्रीताम ऋतियोन निवासिनीं शवस्थाम स्मेर वदनाम परम ज्योति स्वरूपिणीं रजस्वला भवेन्नियं पूजेष्ट फलदायिनी मध्य प्रियं रतिमयीं परम ज्योति स्वरूपिणीं शिव विष्णु विरंचिनाम साध्यां बुद्धि प्रदायिनीं असाध्यां साधिनी नित्यां परम ज्योति स्वरूपिणीं रात्रौ पूजा बलियुतां गौमासं रुधिर प्रियां नानालंकारिणीं रौद्री पिशाचगण सेवितां
इत्यष्टकं पठेद्यस्तु ध्यान रूपां प्रसन्नधि शिवरात्रौ व्रते रात्रौ वारुणी दिवसे अपिवां पौर्णम पौर्णस्याम अमावस्याम शनि भौम दिने तथा सततम वा पठेद्यस्तु तस्य सिद्धि पदे पदे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये मातंगी स्तोत्र था और मातंगी स्तोत्र माँ जैसा कि हम बता चुके हैं कि माँ सरस्वती का ये स्तोत्र है। अब इसमें जन्मेजय सिंह तोमर ने जो कहा, उन्होंने बोला, हे मुने, आपने पहले वेद के अर्थ को स्पष्ट करके विस्तृत रूप में वर्णन करने वाली धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अनेक अर्थों से भरी हुई जो महाभारत की कथा विस्तार पूर्वक कही, उसको मैंने सुन लिया। उस महाभारत कथा में आपने बहुत से पुरुष श्रेष्ठ शूरों का वर्णन किया तथा बहुत से वृष्णि और अंधकवंशी महारथियों के नाम और कर्म भी बताए। हे द्विजेतम, उनके उत्तम कर्मों का भी आपने उन स्थलों में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। प्रभु, अब आप उनको विस्तार पूर्वक सुनाइए। आपने पहले जो संक्षिप्त रूप से वर्णन किया उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। ये वृष्णि और पांडव एक ही राशि के यानी कि एक ही कुटुंब के माने जाते हैं। अब देखिए, जन्मेजय का जो ये प्रश्न है कितना चतुराई भरा है। न च मे तृप्तिर स्त्रिय कथ्य माने पुरातने एकश्चैव मतो राशिर वृष्णय पांडवा तथा। आपने पहले जो संक्षिप्त रूप से वर्णन किया उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। ये वृष्णि और पांडव एक ही राशि और कुटुंब के माने जाते हैं। ये वृष्णि वंशी जो है ना, यही ये भगवान श्री कृष्ण का वंश है। वृष्णि वंशी वो उन्हीं को कहते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण का वंश है, जो वृष्णिवंशी थे वे वृष्णिवंशी यादव। तो वृष्णिवंशी और पांडव ये एक ही कुटुंब के हैं, उनका कहना है एक ही राशि के हैं। यहाँ पर तो हे तपोधन, आप वंशों की कथा कहने में चतुर हैं और उनकी सब बातों को आपने प्रत्यक्ष देखा है।